जय हिंद। तो देखिए, सीआईएसएफ की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए आ चुकी है। जो आपका 3 साल का एक लंबा इंतज़ार है वो फाइनली आपका ख़त्म हो चुका है। जो एचसीएम 2019 की भर्ती है, रिटर्न एग्ज़ाम के जो ऑफिशियल एडमिट कार्ड हैं वो आपके आउट हो चुके हैं। तो आपके एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने की प्रोसेस, आपका एग्ज़ाम पैटर्न, जितने भी आपके जानकारी है, चलिए वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है सीआईएसएफ की वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम, अपना फादर नेम, अपने डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर और फिर यहाँ पर ये जो कैप्चर कोड आपका दिया हुआ है इसको फिल करना है। इन सब को फिल करने के बाद ये जो सबमिट का बटन है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, आपके सामने जो ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन है वो आपके सामने आ जाएगा। इंग्लिश और हिंदी में से जिस भी लैंग्वेज में आप चाहें अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो आपका ऑफिशियल एडमिट कार्ड का प्रूफ है, चलिए वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपका ऑफिशियल एडमिट कार्ड। प्राइवेसी के लिए जो कैंडिडेट हैं इनके पर्सनल इन्फॉर्मेशन हाइड कर दी गई हैं। तो देखिए, एडमिट कार्ड फॉर अपीयरिंग इन रिटन एग्जामिनेशन ऑफ अ हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 के लिए जो आपका एडमिट कार्ड है ये आपका आउट कर दिया गया है। तो यहाँ पर अब इसमें जो आपके कंप्लीट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, चलिए वो आपको बताते हैं। तो ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन हैं जो कि आपको एग्जाम में फॉलो करने होंगे। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट एग्जाम सेंटर पर लेकर जाने हैं, तो यहाँ पर ये जो आपका एडमिट कार्ड है, एक तो वो आपको लेकर जाना है जिसमें खुद की फ़ोटो आपको चिपकानी होगी और उस फोटो के ऊपर खुद के साइन आपको करने होंगे। सेकेंड चीज़, यहाँ पर आपको रिटर्न एग्ज़ाम के लिए ब्लू या फिर आपका जो ब्लैक पेन है वो लेकर जाना है। यहाँ पर साथ में जो आपका फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इनमें से कोई भी एक जो आपका ओरिजिनल फ़ोटो आईडी प्रूफ है वो आपको लेकर जाना है। और यहाँ पर अगर कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपको पीएसटी या फिर डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा दिया गया था तो वो भी आपको साथ में लेकर जाना है। तो यहाँ पर देखिए, आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं। इन सब के अलावा याद रखिएगा, यहाँ पर जो आपकी 4 लेटेस्ट कलर्ड फोटोग्राफ हैं वो भी आपको लेकर जानी होंगी। और यहाँ पर ये जितने आपके एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ये आपको एग्ज़ाम सेंटर पर भी बता दिए जाएंगे। और यहाँ पर जितने इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने के लिए कहा जाता है एग्ज़ाम सेंटर पर, वो अच्छे से आप फॉलो कीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत आपको न आए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें आपके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, तो जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। जो यहाँ पर आपका रिटन एग्ज़ाम है उसमें टोटल आपके 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं, जिसमें आपका इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग आपका पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका जीके, अर्थमेटिक और फिर आप इंग्लिश या फिर हिंदी में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चुनना होगा। टोटल 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं। हर एक सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपका एक नंबर का होगा, यानी कि आपका एग्जाम भी टोटल 100 नंबर का होगा। लेकिन याद रखिएगा, कम से कम यहाँ पर आपको जर्नल और एक्सर्विसमैन को 35%, SC ST OBC को 33% का जो स्कोर है वो करना अनिवार्य रहेगा। तो ये थे कंप्लीट जानकारी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। जिसका एग्जाम है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा और आपका जो एग्ज़ाम है वो आप कंप्लीट तरीके से देकर आइएगा। जुड़े रहिएगा और आगे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय।